तस्वीरों के माध्यम से आप जो हमारे पीछे देख रहे हैं यह नॉलेजल टंकी, आज इस नॉलेजल टंकी पर एक वार्ड सदस्य का मृत्यु हो गया है। हम बतलाते चले कि हम लोग लगातार नॉलेजल योजनाओं के सरकार के लापरवाही के बारे में बताते रहे हैं। सरकार का और अधिकारी पदाधिकारियों के गलती के वजह से नॉलेजल जो है, नॉलेजल का स्थिति हाशिए पर है और इस तरीके का नॉलेजल का परिस्थिति है कि आप देख कर ही हैरान हो जाएंगे। अगर कोई ऑपरेटर उसे चलाने जाता है तो आखिर नल जल में कुछ विशेष गड़बड़ी है, इसी वजह से ना करंट लगा है। हम आपको बतलाते चले कि इस नल जल में करंट लगने की वजह से वार्ड सदस्य की मृत्यु हो गई है। हम बतलाते चले कि अभी हम मोतिहारी जिला के केसरिया प्रखंड के करहान पंचायत है और करहान पंचायत का यह वार्ड नंबर एक है और इसी वार्ड नंबर एक के वार्ड सदस्य का मृत्यु जो है आज सुबह सुबह जो है पानी चलाने के दरमियान हो गया है। नल जल का जो स्थिति है वह बद से बदतर है, लेकिन ये अधिकारी और पदाधिकारी लोग गलत रिपोर्ट सरकार को देते हैं कि 96% नल जल योजना जो है सुचारू रूप से बिहार में संचालित हो रहा है, जिसका नतीजा आपके सामने है। आखिर यह मृत्यु जो हुई है उसका दोषी कौन है? आप यहां तस्वीरों के माध्यम से तमाम ग्रामीण को देख रहे हैं और मैं ग्रामीणों से भी कुछ बातें करके आपको बतलाने का प्रयास करूंगा, लेकिन मैं आपको बतलाते चलूं और आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस तरीके से ये अधिकारी पदाधिकारी लोग गलत रिपोर्ट सरकार को दिए हैं और नल जल का स्थिति गड़बड़ है, स्थिति गड़बड़ होने की वजह से करंट लगा है, आखिर इसका दोषी कौन है? अगर वह वार्ड सदस्य की मृत्यु हो गई है तो उसका जिम्मेवारी कौन लेगा? उस वार्ड सदस्य के परिवार का भरण पोषण का जिम्मेवारी कौन लेगा? ये बहुत बड़ा सवाल बनता है और इस सवाल का जवाब आप लोगों को देना है और आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि इस जगह का आवाज जो है सरकार के पास पहुंचे और वैसे लापरवाह भ्रष्ट अधिकारियों के पास पहुंचे जो भ्रष्टाचार के लिए जो है गलत रिपोर्ट बनाकर के सरकार को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। यहाँ के वर्तमान मुखिया जी हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे कि आखिर यहाँ क्या स्थिति परिस्थिति है। ये नलजल कब बना था मुखिया जी? नलजल बना था पिछले जो मुखिया जी थे उनके द्वारा बनाया गया था। अच्छा, ये इसको तो पहले का वार्ड सदस्य चलाते होंगे? नहीं, वो हार गए, जो वर्तमान वार्ड सदस्य है वो चला रहे थे। वर्तमान वार्ड सदस्य चला रहे थे। अच्छा, अब इनकी कैसे मृत्यु हो गई है? आज सुबह करीब 6 बजे की घटना है। हम उधर, चूंकि हम लोग रोज टहलने जाते थे, सुबह सुबह रोज टहलने जाते थे हम, तो आज हम, चूंकि हमारा तबीयत खराब था तो 15-20 मिनट लेट हो गए, तब तक हम वो आधार से आए तो पूछे कि कहाँ हैं, तो जल चलाने गए। चूंकि रोज की ये रूटीन था कि हम लोग आते थे तो अपने घर से चाबी ले आते थे, कहते थे मुखिया जी चला दिया तो घूमे चलो जी, तो आज हम लेट आए तो हम पूछे कहाँ गए, तो चलेगा, तब तक हम आए तो सामने खड़ा हो गए, हम देख रहे हैं कि 5-7 मिनट में तो स्टार्ट करके आ जाएंगे। जब तक इधर से एक आदमी दौड़ते गया है, कहा कि मुखिया जी तो मर गए बड़न होता, हम उधर से आए, बहुत लोग आए, देखे कि इसमें मृत पड़े हैं, तो हम तो जैसे ही आए ठकुआ मार दिए हमको। थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए कहेंगे, आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, थोड़ा सा मुखिया जी आप भी साथे रहिए, आप देख सकते हैं, थोड़ा सा इधर दिखाइए, देख सकते हैं क्या स्थिति है, थोड़ा इधर आओ बाबू, देख सकते हैं कि क्या स्थिति है इस नॉलेजल योजना का, और एकदम बद से बदतर स्थिति है और इसमें नॉलेजल चलाना है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये धरती से कितना नीचे नॉलेजल बनाया गया है, यहाँ रोड है, थोड़ा सा चलिए, बस हो गया। अब मुखिया जी, यह इतना माने जर्जर पोजीशन में नॉलेजल है और इसको वार्ड सदस्य चला रहे हैं, इस पर आप लोग कोई कार्रवाई किए हैं? हाँ देखिए, हम लोग को नियम है कि पहले हम योजना जो है कंप्यूटर पर लोड कराएंगे, उसके बाद जल नल का, पहले जो हम लोग का नियम था, अब तो ये पीएचडी में चला गया है, पीएचडी में 1 साल के अंदर चला गया, तो इससे हम लोग को वंचित कर दिया गया कि नल जल में आपको कुछ नहीं करना है, तो पीएचडी वाले इस बात को ना जवाब देंगे। अच्छा, पीएचडी आप पंचायत के मुखिया जी, ठीक है। नल जल आपका हम तस्वीर के माध्यम से कैमरा से लोगों को दिखा रहे हैं कि यह नल जल किसी भी सिस्टम से योजना में संचालित होने वाला नहीं है, इसमें अभी वर्तमान मुखिया हैं आप इस पर रोक क्यों नहीं लगवाए? देखिए, अगर रोक लगाएंगे तो उधर से यही होगा, अगर पब्लिक जो है, अगर हम लोग नहीं दे पाएंगे पानी तो पब्लिक कहता है कि मुखिया जी पैसा खा गए। अच्छा, तो ये सब लापरवाही, वो मुखिया जी का लापरवाही हो चाहे अधिकारी का लापरवाही हो, सुन लीजिए, अब हम आपके जुहूत नहीं बोलेंगे, ये लापरवाही सरासर पंचायत का, अगर लापरवाही है यहाँ तो यह जिम्मेवारी आप पंचायत का राजा। आप पहले ही जान लीजिए कि 1 साल के अंदर
जब पीएचडी को चला गया उसमें हमको हाथ नहीं लगाना है तो कौन आधार पर हम काम करेंगे? आप नहीं लगाना, 100 कॉल किए हैं पीएचडी को, ठीक है सब, ठीक है वो सब, 100 कॉल किए हैं पीएचडी को, यहाँ दुर्घटना हुई है वार्ड सदस्य पीएचडी को आपने कॉल किया, पीएचडी विभाग लिखित वीडियो साहब को भी दिए हैं और उसके बाद भी यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं, व्यवस्था नहीं, तो ये सरासर जाता है कि आप अपने जिम्मेवारी से वंचित है और अधिकारी का गलती यहाँ सरासर दिखाई दे रहा है। तो अब यहाँ वार्ड सदस्य का मृत्यु तो हो गया, ठीक है, और वह वार्ड सदस्य आपका भी अंग है, आपका अभियंग है ना, तो आपका अभियंग है, तो आगे का रणनीति आपका क्या है? मेरा रणनीति यही है कि एक वार्ड सदस्य आज चला गया, दूसरा वार्ड सदस्य कल नहीं मरे, मैं सरकार से मांग करता हूं कि किसी भी वार्ड सदस्य को आप जल न चलवा रहे हैं तो उसको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दीजिए। क्या वह अधिकारी से मेरा मांग यही है, ये थोड़ा नीचे कीजिए, ये सबसे छोटा लड़का है उनका और इनके पीछे चार बहन है, जो सबसे बड़ी बहन है जिसका उम्र 14 साल की होगी, उसके बीच वाला तीन बहन है, आज इनका पिताजी मर गए, इनको कोई देखने वाला नहीं है। मैं सीधी सीधी मांग करता हूँ सरकार से कि ऐसा कोई व्यवस्था है तो इनके माँ को नौकरी दिया जाए और उचित मुआवजा दिया जाए और दोबारा ऐसा घटना ना हो, इस पर पदाधिकारी लोग अपना काम करें और जो लोग नल जल चलाते हैं उसको अथॉरिटी देके उसको सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाए, क्योंकि उसके परिवार में ऐसा घटना हो तो कुछ सरकार की तरफ से अच्छा मुआवजा मिले। अगर सरकार आपकी बात को नहीं मानता है तो आंदोलन होगा, क्या करेंगे? आंदोलन होगा, आंदोलन करेंगे, हाँ पूरे वार्ड सदस्य लोग आंदोलन करेंगे। चलिए, कुछ ग्रामीण है, क्या कहना चाहिएगा भैया इस मृत्यु पर? इस पर मुआवजा मिलना चाहिए। क्या मुआवजा मिलना चाहिए? जो सरकारी राशि जो है मिलना चाहिए। तो वही चीज है, मैंने किस ढंग से आप कहना चाहिएगा कि किस ढंग से पूछ रहे हैं आप बताइएगा, मैंने मुआवजा मिलना चाहिए, क्या मुआवजा मिलना चाहिए या सरकार से मांग? हाँ, सरकार से मांग कर रहे हैं कि उचित मुआवजा मिले, उचित मुआवजा। आप क्या कहिएगा भैया? हम नहीं कुछ बोलेंगे। आप क्या कहिएगा? बोलो यार, बोलो सर। हम यही कहेंगे कि उनके घर में घर परिवार है ना, और उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, सरकार से हम यही कहेंगे कि उनके बच्चे के लिए कुछ मिलना चाहिए, मुआवजा कुछ देना चाहिए, यही तो कहेंगे। आप देख सकते हैं ये तमाम ग्रामीणों का उपस्थिति है और यहाँ स्थिति ऐसी है कि ये पीएचईडी विभाग में जो नल जल गई है, पीएचईडी विभाग के अधिकारी इतना लापरवाह हो गए हैं, अरबों रुपया गवर्नमेंट जो है लगातार इस योजना को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए दे रही है, लेकिन यहाँ मुखिया जी का व्यथा है कि इनकी बातों को जब नहीं सुनी जाती है तो सोचिए जरा आम आदमी के बातों को कैसे सुना जाता होगा। सुनिए, जब मुखिया जी अपने मुख से कह रहे हैं कि सरकार के द्वारा 2000 रुपए का महीना भेजा जाता है वार्ड सदस्यों के लिए, वार्ड सदस्यों को मिलता है या नहीं? नहीं, हम हमारे पंचायत में हम दे चुके हैं, पिछले लगभग 7-8 महीने से बाकी है, जो एक बार दिया जाता है, 6-8 महीने का एक बार दिया जाता है। आप क्या कहना चाहिएगा भैया? हम यही कहना चाहेंगे कि जो हमारे वार्ड सदस्य जो राजकिशोर शर्मा जी का जो आज मौत हुआ है, नल जल का वजह में इनके चार बच्चियां है और एक छोटा सा बच्चा है, जो हमारे पूरे ग्रामीण जनता लोग उनके परिवार की कहानी जान रहे हैं, उनको उचित मुआवजा दिया जाए और उनकी पत्नी को नल जल चलाने के एवज में उनको सरकारी नौकरी दिया जाए, यही हम मांग करेंगे। ऊपर का देख लीजिए पोजीशन, ये सब जो है वो चंदा मांग कर, जब जब नल जल की पाइप जब फूटती थी, हम लोग और हमारे ग्रामीण जनता ने 200-400-500 रुपया देकर उनको चंदा, हाँ मरम्मत हमारे मुखिया जी कराए थे, हम लोग भी चंदा देकर मरम्मत कराते हैं। और कुल मिलाकर के यह योजना लग रहा है कि भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा है और मुखिया जी भी इसमें दोषी हैं। मुखिया जी को दोषी हम नहीं देंगे कि जब से हमारे मुखिया मनोज यादव हुए हैं वो अच्छी तरह से नल जल की प्रक्रिया को देख रेख में अपने जिम्मेवारी में चलवाते थे। जब से पीएचडी में गया है भैया, आप मुखिया जी को दोषी कर लीजिए या किसी को, पीएचडी में जब चला गया, मेरा हाथ काट दिया गया, मैं आपसे सवाल करता हूँ कि पीएचडी करेगा कि मुखिया जी करेंगे? हमने मुखिया जी यह बात आपसे सवाल किया है कि इसका FIR होना चाहिए उपयुक्त व्यक्ति पर, जो दोषी है, जो अधिकारी दोषी है, जो पदाधिकारी है उन पर FIR करेंगे। आप मुखिया हैं, हमरे कहने से बता दीजिए, हमरे कहने से आप नाम बता दीजिए, हमरे कहने से मुखिया जी बने, आप नाम बता दीजिए। आपको जिम्मेवारी समझना है ना कि हाँ आपको क्या करना है? हमको जो जिम्मेवारी समझ में आ रहा है कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने जब यह सवाल किया, FIR का बात किया, थोड़ा सा समझिएगा, और हम तो पत्रकार हैं, हम तो पूछबे करेंगे ना। अच्छी बात है, पूछिए। आप जब मान लीजिए कि आप यह बात कहे कि हम लोग का अधिकारी पदाधिकारी
अपनी बात नहीं सुनता है तो उसमें ब्लॉक उसमें थाना भी आते हैं, उसमें जिला भी आता है, उसमें ब्लॉक भी आता है। सुनिए सुनिए हमारा बात सुनिए, और उसके बाद में अगर इस पर FIR होने की बात है और अगर आपका बात दरोगा जी अच्छे हैं आपके बात को सुन रहे हैं, तो मैंने यह पूरे ग्रामीणों के सामने आपसे हम सवाल कर रहे हैं ना कि उपयुक्त व्यक्ति पर इसमें लापरवाही की वजह से यह किसी भी योजना को पूर्ण नहीं करता है, यह किसी भी योजना को नल जल योजना पूर्ण नहीं करता है, ऐसी स्थिति में कोई ना कोई दोषी तो होगा। हाँ, देखिए कोई ना कोई दोषी होगा कि नहीं भैया? वो भी दोषी है, उस पर हम लोग विचार करके जो होगा उचित कार्रवाई करवाएंगे। चलिए, मुखिया जी के तरफ से यह आश्वासन मिला है कि कोई भी दोषी होगा उस पर उचित कार्रवाई होगा, और तमाम ग्रामीणों का मांग है कि वह उस वार्ड सदस्य का छोटे छोटे बच्चे हैं, उन बच्चों के परवरिश के लिए कुछ ना कुछ मुआवजा सरकार के तरफ से मिलना चाहिए। अगर नौकरी का प्रावधान हो तो नौकरी भी मिले, और इस तरीके से तमाम मांगे होती रही है, नौकरी का मांग हो या जो भी मांग हो, समाज का मांग होते रहता है, लेकिन सरकार वही करती है जो उपयुक्त होता है। लेकिन ये तमाम चीजें जो मैं आपको बतला रहा हूँ, यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में यहाँ मृत्यु जरूर हुई है, और ऐसी बातों को आपको भी सरकार के पास, अधिकारी के पास, पदाधिकारी के पास इन आवाजों को पहुँचाना चाहिए। बाकी मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद।